मैं आज कद्दू का पत्ते से पकौड़ा बनाऊंगा, सबसे आसान इजी तरीके से। एक बार बना के देखिए कितना टेस्टी है। मैं कद्दू का पकौड़ा बनाने के लिए थोड़ा पत्ते लिया, चावल का पाउडर यानी आटा बनाया है, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा मिर्ची का पाउडर, स्वाद अनुसार नमक यानी कि लवण। अच्छे से मिक्स कर रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक पेस्ट बनाऊंगा मैं। थोड़ा ढीला ढीला बनाऊंगा मैं। पत्ते लेकर अच्छे से धोऊंगा मैं। अभी कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल डाला हुआ यानी कि सरसों का तेल, कोई भी तेल यूज कर सकते हैं आप लोग। अभी पेस्ट लेके पत्ते को उसके साथ मिक्स कर रहा हूँ। पत्ते के साथ पेस्ट मिक्स होने के बाद हम फ्राई करेंगे। गैस का चूल्हा मीडियम फ्लेम में रहेंगे हम 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। बहुत बहुत इजी है ये, एक बार बना के देखिए, बहुत टेस्टी होता है। बनाने में आसान है, खाने में बहुत टेस्टी है। घर में ट्राई कीजिए। बहुत बहुत ही कम टाइम में हो जाता है, लगभग हो चुका है, हुआ है, सॉरी लगभग नहीं हुआ है, अभी तो खाने का टाइम है दोस्तों।